हेलो गाइस, वेलकम बैक माय क्यू एंड ए वीडियो। ठीक है, ये मतलब सभी लोगों ने इसके बारे में जब मैं पूछी तो सभी लोगों ने बोला यस, आपको बनाना चाहिए मैम। तो मैं सोची कि चलो बना लो, लेकिन मेरी तबीयत सडनली से मतलब ख़राब हो गई। अभी भी आप लोग को वॉइस लग रही होगी थोड़ी सी भारी टाइप की, तो इसीलिए मैं वीडियो कल ही अपलोड करती पर कल नहीं शूट कर पाई, तो इसलिए नहीं हो पाया। तो अभी मेरी आवाज़ ठीक है तो सोची कि आज चलो बना लेते हैं। तो आज का क्यू एंड ए वीडियो होने वाला है और जितने भी क्वेश्चन मेरे से पूछे गए इंस्टा के या फिर YT से संबंधित, मतलब जितने भी रिलेटेड इन दोनों पे जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें से मैंने लगभग 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 सारे क्वेश्चन को अटेंड किया है। और उसमें का सारा क्वेश्चन मैं सोची कि लगभग सारा क्वेश्चन का जवाब मैं देने का कोशिश की हूँ। तो बस आप लोग इस वीडियो को मतलब इस क्यू एंड ए वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड एक बात और, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है गाइज, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन टू आंसर वाला बात। क्वेश्चन है SBH वाइंस का, इन्होंने कहा है एनी एडवाइस फॉर न्यू ब्लॉगर, हाउ दे स्टार्ट, सम ब्लॉगर क्यूरी रिगार्डिंग देयर बैड फेस एंड वॉइस, प्लीज़ टेक दिस क्वेश्चन एंड गिव योर वैल्यूएबल व्यूज़ ऑन दिस तो सबसे पहले तो न्यू ब्लॉगर के लिए यही है कि आप लोग रेगुलर वीडियो डालो। ठीक है, आप बोलोगे कि मैं खुद नहीं रेगुलर वीडियो डालती, फिर भी मैं ये बात, हाँ तो मेरा ये जो है ना कि बस मैं मेरा ये शौकिया तौर पे है। अगर आप YouTube पर परमानेंट फिक्स होना चाहते हो, यानी कि आप लोग अपना करियर YouTube पे बनाना चाहते हो, तो आप रेगुलर वीडियो डालो। 4 to 5 मिनट के अंदर जो होता है उससे ज़्यादा मतलब टाइम का नहीं, बस 4 to 5 के अंदर का वीडियो डालो। और रही बात जहाँ तक कि बैड फेस या वॉइस की, तो आप वॉइस के लिए एक सबसे अच्छी बात है आप बोया माइक ले सकते हो, कम प्राइस रहता है, इजी में आप ले सकते हो और आप एफर्ट कर पाओगे उसे लेने में। तो आप बोया माइक ले लो, उससे आपकी वॉइस ठीक हो जाएगी। और बैड फेस की बात है तो ये आपके मन में जो क्वेश्चन है कि बैड फेस होगा तो उसके लिए नहीं, तो ये मन से इस बात को आप जो माइंड सेट करके रखे हो इस बात को हटा दो, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अगर आपके अंदर जो क्वालिटी होगी ऐसी क्वालिटी होगी तो मतलब जो लगे कि हाँ देख के लोग को अट्रैक्ट करेगा, तो वो बैड फेस आपको एकदम उस वक्त बहुत छोटी सी लगेगी, उतना कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा। बस आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, किसी भी चीज़ को आप कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो, ये चीज़ मैटर करता है। ठीक है, तो आप इस बात को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि बैड फेस होगा तो क्या होगा। वॉइस के लिए आप अगर वॉइस है तो वॉइस के लिए आप बोया माइक ले सकते हो, बस इतना ही, ये बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे पास भी वही है, अभी मैं वही लगा के आपसे मतलब बात कर रही हूँ, तो वॉइस के लिए बोया माइक ठीक रहेगा। ठीक, इनका एक और क्वेश्चन था हाउ दे स्टार्ट, के पास एक नॉर्मल फ़ोन तो होना ही चाहिए। और जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो तो आप किसी से बस मतलब ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। अगर आप ये सोच के करोगे तो आप कभी भी यूट्यूबर नहीं बन पाओगे। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल देना कि लोग क्या कहेंगे या कैसे। तो नॉर्मली आप जो भी चीज़ दिखाना चाहते हो अच्छे से प्रेजेंट करो, बस लोग को पसंद आएगा इस वजह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं PBS सो हिट, इन्होंने कहा है हेलो मैम, आपने यूट्यूब में फ़ोटो अपलोड कैसे किया, हमको भी बताओगे क्या प्लीज़। तो अपलोड कैसे किया है फ़ोटो, तो पहली बात तो फ़ोटो अपलोड जो किया जाता है उसे कम्युनिटी टैब कहा जाता है। वो आपको जब 500 सब्सक्राइबर आपका हो जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा, आप इजली जाके उसे अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो, या फिर आप कुछ भी आप लिख कर चाहेंगे तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो वो आपका जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं अंकित कुमार, इन्होंने पूछा है कि आप कहाँ से हो। तो मैं बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन है डांस उत्तम, इन्होंने कहा कितने सब्सक्राइबर है। तो मेरी सब्सक्राइबर जो है अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, आप लोग गेस कर सकते हो कितने हुआ है, मतलब 1K गेस करो, हाँ लगभग 1K के आसपास है। ठीक है, अभी उतना नहीं हुआ। पंकज लोखंडे का, इन्होंने कहा कि कम्युनिटी गाइडलाइन कितने पर मिल जाता है, आपको कितने पर मिला। तो कम्युनिटी गाइडलाइन की अगर बात करूँ तो जब तक आपका 500 सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक आपको मिलेगा नहीं, और रही बात मेरी तो मुझे भी उतना ही पर मिला। अगला क्वेश्चन है खदानंद घिमीरे का, ये कह रहे हैं हाई सुपर वीडियो, स्टे कनेक्टेड, आई लाइक योर वीडियो, आई एम वॉचिंग फॉर नेपाल, थैंक यू सो मच कि आप नेपाल से मुझे देख रहे हो, थैंक यू सो मच इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोहित शर्मा, इन्होंने कहा है आपने यूट्यूब को अपना करियर चुना है या बस ऐसे ही। फिलहाल तो YouTube को बस शौकिया तौर पे मतलब कर रहे हैं, और अभी करियर के रूप में उतना नहीं देखे हैं, शौकिया तौर पे, फ्यूचर में देखा जाएगा जो होगा सो।
नेक्स्ट है सुजल कुमार, इन्होंने कहा आप अभी क्या करते हो? तो अभी मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो पीजी में अभी जस्ट मैंने एडमिशन लिया है, तो उसकी आगे की पढ़ाई चल रही है बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं शिव जगदाल, आप कौन से ऐप से वीडियो एडिट करते हो? तो मेरी जितनी भी वीडियो आती हो, जितनी भी आती है वीडियो, वो काइन मास्टर से ही आती है, मैं काइन मास्टर से वीडियो एडिट करती हूँ। अगला क्वेश्चन है आर्यन तनवर का, इन्होंने कहा है मोनेटाइज हुआ है या नहीं? फिलहाल तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए 1K और प्लस में 4000 घंटा चाहिए, जो कि 1K तो इजली पुड़ भी जाता है, बट 4000 घंटा जल्दी नहीं पुड़ पाता है। तो बस अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग कर दो, जल्दी जल्दी हो जाएगा मोनेटाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन AJN का ब्लॉग, इन्होंने पूछा है आप कहाँ से हो? तो ये क्वेश्चन का मैं जवाब दे चुकी हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। तो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इन्होंने कहा है भारत सिंह ब्लॉग ने कहा है कि आपके ब्लॉग का इंतजार रहता है, वीडियो क्यों नहीं डालती रोज, आपकी बोली बिहार की लगती, इन्हीं का ये अगला क्वेश्चन है। तो आप मेरे ब्लॉग को देखते, इसके लिए थैंक यू सो मच, बट मैं रोज़ ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि एक तो मेरी क्लास रहती है, तो क्लास की वजह से मैं रोज़ वीडियो अपलोड करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए नहीं होता। ऊपर से इधर जो है कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं इधर की वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। और आप बोले कि बिहार की बोली लगती है आपकी, तो मैं बिहार से हूँ, तो मेरी बोली भी तो बिहार की ही लगेगी ना। तो अगला क्वेश्चन है फिर बिलिंग कोस्टा, इन्होंने पूछा हैव यू एवर हैड अ निक नेम, व्हाट इज़ इट एंड व्हाट मेक्स लव द मोस्ट? तो निक नेम की अगर बात आप कर रहे हो, तो मेरे मतलब घर में सब लोग मुझे प्यार से सानू सानू बोलते हैं, ठीक है। और व्हाट मेक लव द मोस्ट, तो सबसे ज़्यादा हंसी तो मुझे अभी भी जब नॉर्मली कैमरा जब ओपन हो जाता है और उसके सामने फेस करना पड़ता है, या कभी मतलब सेल्फी लेना रहा, या कैमरा ओपन होते ही कुछ वीडियो शूट करना रहा, तो मुझे बहुत ज़्यादा उस बात को मतलब बहुत ज़्यादा हंसी आती है अभी भी। ऐसा तो हद तक कम हो गया, पर अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा उससे हंसी आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं, इन्होंने पूछा है प्राउड ब्लॉग, इन्होंने कहा आप कहाँ से हो? तो कहाँ से हूँ ये बात मैं फिर बता चुकी हूँ, तो बस ये रहने दो। और एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं सुजीत, ये कह रहे हैं कि आपकी वीडियो यानी कि बैक से आपकी वीडियो को कौन शूट करता है? तो ये वीडियो शूट जो करता है मतलब कि नॉर्मली अगर मेरे हाथ में फ़ोन रहा तो ऐसे करके मैं शूट कर लेती हूँ, अदरवाइज बैक से अगर करने की बात हुई तो कोई भी भाई बहन कर देता है, बस कोई भी कर देता है तो उसे हो जाता है, या फिर कोई मिल गया तो उसको दे दे। मोस्टली तो मेरी वीडियो जितनी भी शूट होती है बैक से अगर करने है तो भाई बहन कर देता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन और भी है बट टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो मज़ा नहीं आएगा हम देखने में। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट Q&A वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट, बाय बाय, सी यू।